वेलकम कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी। आप सभी में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गए होंगे और आप लोग लास्ट रिवीजन स्टार्ट करने वाले होंगे, तो यहाँ वहाँ की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम और फर्स्ट डे के रिवीजन के लिए 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं, तो कॉपी पेन लेकर मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रिवीजन भी ज़रूर करेंगे। अगले दिन हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स वॉज क्रेडिटेड एट 9% पर एनम। यानी 2019 मार्च 31 के अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद ये पता लगा कि उनके अकाउंट्स में 9% इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया गया है इंस्टीड ऑफ 10%। यानी 10% देना था और 9% दे दिया गया है। देयर कैपिटल्स अकाउंट्स आर स्टूड एट 1,20,000 एंड 1,80,000, यानी उनकी कैपिटल्स 1,20,000 है और 1,80,000 है। पास अ सिंगल जर्नल एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर फॉर एडजस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे कि उनके अकाउंट्स में 9% इंटरेस्ट दिया गया है और जबकि करेक्ट रेट कितना था 10%, यानी 1% इंटरेस्ट उनको अभी और प्रोवाइड किया जाना बाकी है। तो स्टूडेंट्स, इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए यानी इस गलती को सुधारने के लिए हमें एक टेबल बनानी है जिसका नेम है एडजस्टमेंट टेबल। उसके अंदर कॉलम आपको ड्रॉ करने हैं पर्टिकुलर, जितने भी पार्टनर हों जैसे एक्स एंड वाई और सबके लिए डेबिट एंड क्रेडिट। अब आपके पास जो मिस्टेक थी वो थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड एट स्मॉलर रेट, मतलब 10% देना था और 9% इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया। तो इस मिस्टेक को सुधारने के लिए आपको इस टेबल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है और डिफरेंस रेट से क्रेडिट करना है एक्स एंड वाई की कैपिटल पर। एक्स एंड वाई की कैपिटल्स 1,20,000 और 1,80,000 है। डिफरेंस रेट यानी 10 और 9 का डिफरेंस 1%, 1% इंटरेस्ट आप क्रेडिट कर रहे हैं। तो 1,20,000 का 1% 1,200, 1,80,000 का 1% 1,800, ठीक है। फिर ये 1,200 और 1,800 का टोटल कर लेना है, जिसको आपने कहा टोटल इंटरेस्ट। तो 1,200 प्लस 1,800 इक्वल 3,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने किया था क्रेडिट, इसलिए इससे अपोजिट डिसीजन लेंगे पार्टनर्स कैपिटल के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इस टोटल वैल्यू को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/5 एंड 2/5। और ध्यान देना है कि वैल्यू को पुट करना है डेबिट के कॉलम में, 3000 का 3/5, 1800, 3000 का 2/5, 1200। अब बैलेंस निकालते आप सभी को बनता है 1800 और 1200 दोनों के बीच में स्मॉलर साइड कौन सी है, क्रेडिट। वहाँ पर इसका डिफरेंस लिख देंगे 600, यानी 1800 और 1200 का डिफरेंस 600, जहाँ कम हो वहाँ लिखेंगे। 1800 और 1200 का डिफरेंस 600, जहाँ कम हो वहाँ लिखेंगे। इसको नाम दे देंगे बैलेंस का। अब आपका 50% क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया है। अब आपको बनानी है इसके लिए जर्नल एंट्री। तो जिसका बैलेंस आपको क्रेडिट में मिला था उसको डेबिट करना है, यानी एक्स का कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड जिसका डेबिट में बैलेंस था यानी वाई उसको अपन को करना है क्रेडिट, तो टू वाइस कैपिटल अकाउंट। Being adjustment
फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैल्यूज ले लेनी है 600 एंड 600। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम गारंटी। यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी ए बी और सी पार्टनर्स हैं, अपना शेयर उन्होंने रखा है 3:1, सी इज गारंटीड बाय अदर पार्टनर्स फॉर अ मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ ₹18,000। सी को अदर पार्टनर्स ने गारंटी दी है कि उसका शेयर कम से कम ₹18,000 होगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 वाज ₹90,000। 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट 90,000 है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ऐसा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जर्नल एंट्री अपन करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, तो फर्स्ट एंट्री आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, मींस टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब इस एंट्री में आपको ओरिजिनल वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी टोटल प्रॉफिट जो मिला हुआ था 90,000 का था, 90,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया ओरिजिनल रेशियो में 3:6, 2:6 एंड 1:6। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यूज मिल रही हैं वो हैं 45,000, 30,000 एंड 15,000। अब आपको आगे ये ध्यान देना है कि किस पार्टनर को गारंटी मिली है। तो जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, और जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है उन पार्टनर्स के अकाउंट्स को आप डेबिट करेंगे। तो यहाँ अपने क्वेश्चन में सी को गारंटी मिली हुई है, और गारंटी किसने दी हुई है, ए और बी ने। तो जिन्होंने गारंटी दी है उनके कैपिटल अकाउंट्स को आप डेबिट करेंगे, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीस कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब आपको ये देखना है कि इस पार्टनर को मिली हुई थी गारंटी 18,000 की, बट इसका प्रॉफिट अभी हाल है 15,000, तो इसको कितना अमाउंट कम पड़ गया है, यानी 18,000 माइनस 15,000। सबसे पहली वैल्यू आपको मिलती है 3,000 की। इस 3,000 की वैल्यू को ए और बी, जो अपना रेशो है, यानी इनका रेशो है 3:2, उसमें ये लोग शेयर कर देंगे। तो 3,000 इंटू 3/5 और 3,000 इंटू 2/5, इन वैल्यूज़ को शेयर करेंगे तो यहाँ 1,800 और यहाँ पर वैल्यू मिलेगी आपको 1,200। अब इसका टोटल मीनिंग ये हुआ कि सी को गारंटी मिली हुई थी 18,000 की, बट उसका प्रॉफिट था 15,000, उसको कम पड़ते हैं 3,000, जिसको शेयर करते हैं गारंटी देने वाले पार्टनर्स ए और बी। तो एंट्री बनाई आपने एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीस कैपिटल अकाउंट। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि 4 या 3 मार्क्स का होगा, तो इसको आप अच्छे से 2-3 बार सॉल्व करें ताकि इस पर कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 7:3, देयर कैपिटल्स आर 1,50,000 एंड 50,000, यानी राम और श्याम पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3 और उनके कैपिटल्स हैं 1,50,000 और 50,000। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है 10%।
Net profit for the year ended on 31st March 2019 was ₹12,000. उनका प्रॉफिट है 12,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता ही है, तो हम उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले इस अकाउंट में आपको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहां पर आपको लिखनी है नेट प्रॉफिट की वैल्यू. अब आपका नेट प्रॉफिट है 12,000. देन आफ्टर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, तो यहां डेबिट साइड में लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स. राम और श्याम की कैपिटल्स 1,50,000 और 50,000 है, जिनके ऊपर 10% निकालने से 15,000 और 5,000 का इंटरेस्ट आपको मिलता है. अब आपको थोड़ा सा कंपेयर करना है. यहाँ टोटल है आपके पास में 20,000 और आपका नेट प्रॉफिट है 12,000. अब पार्टनरशिप एक्ट के जो न्यू रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 12,000 के प्रॉफिट को 12,000 के प्रॉफिट में से आप 20,000 का इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ ओवरऑल वैल्यू 12,000 ही रह जाएगी, और जो राम और श्याम होंगे वो इस प्रॉफिट की वैल्यू को, 12,000 की वैल्यू को इस इंटरेस्ट के रेशियो में शेयर कर लेंगे. अब आप इंटरेस्ट का रेशियो यहाँ से क्रिएट करेंगे अगर, तो पहले का इंटरेस्ट है 15,000 और दूसरे का इंटरेस्ट है 5,000. इसको और अगर आप डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड करने से 3:1 मिल जाता है. तो आपको क्या करना है, 12,000 की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में, यानी 3/4 और 1/4. अब आपके पास यहाँ आंसर्स आते हैं 9,000 और 3,000. यहाँ आपको टोटल लिखना है 12,000 एंड 12,000. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको बताता है कि अप्रोप्रिएशंस जो होते हैं डेबिट साइड के, इनका टोटल नेट प्रॉफिट के टोटल से ज़्यादा नहीं हो सकता है. अगर इनका टोटल ज़्यादा हो रहा है तो इस वैल्यू को आपको अंदर ही छोड़ देना होगा, और 12,000 का जो नेट प्रॉफिट है उसको आपको अपने अप्रोप्रिएशंस के रेशियो में, यानी 15 और 5, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा.